जय हिंद। मैं आदित्य गुप्ता दयानंद पब्लिक स्कूल कांडूसर नाभा से 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने स्वर विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। स्वर किसे कहते हैं? कुल 22 श्रुतियों में से 7 श्रुतियाँ जो सुनने में मधुर लगे उन्हें हम स्वर कहते हैं। गायन व लेखन के समय हम इनके प्रथम अक्षर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा और नी। स्वर कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध स्वर और एक तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे हों, जैसे कि रे गा धा और नी। तीव्र स्वर वह होते हैं जो अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर की ध्वनि पर हो, जैसे कि मा तीव्र। स्वरों के भी अपने नाम होते हैं, जैसे कि सा को षडज, रे को ऋषभ, गा को गंधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत और नी को निषाद कहा जाता है। शुद्ध स्वर में 7 स्वर आते हैं, सा रे गा मा पा धा और नी। विकृत स्वर आगे 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर में 4 स्वर आते हैं, रे गा धा और नी, और तीव्र स्वर में 1 स्वर आता है, मध्यम। धन्यवाद।